Hello students, today we'll take up chapter 2 whole numbers of class 6, exercise 2.2 question number 6. To begin with, let's read the question. The question says, a vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning, subha 32 liters de raha hai, and 68 liters of milk in the evening, okay? If the milk cost rupees 15 per liter, अगर एक थैली दूध की देगा तो उसको 15 रुपीज़ मिलते हैं. How much money is due to the vendor per day? तो जो उससे दूध खरीद रहा है उसको कितने पैसे हर दिन दूध वाले को देने हैं. I hope the question is clear. Now it is rupees 15 per day. That means for every multiple quantity you will be मल्टीप्लाइंग 15 बाय दैट नंबर. जैसे अगर उसने एक लीटर दूध लिया है तो 15 रुपये देगा, दो लीटर लिया है तो 30 देगा, तीन लेगा तो 45 देगा, ऐसे चलता रहेगा. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके, इट सेज, अब शुरू करते हैं. सबसे पहले उसने तीन चीज़ें दी हैं, एक तो 32 लीटर मिल्क क्वांटिटी है, एक 68 है और एक 15 रुपीज़ पर लीटर है. ये क्वेश्चन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव से भी हो सकता है और बिना डिस्ट्रीब्यूटिव के. तो पहले क्वेश्चन विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं. इट सेज, सबसे पहले इसके अंदर हम कॉस्ट लिखेंगे बिकॉज दैट इज़ कॉमन टू द बोथ. सो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इक्वल्स टू रुपीज 15, ठीक है. अब हम इसमें क्वांटिटी लिखते हैं, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग. कितना सप्लाई किया है इसने, सप्लाइड इन द, इसको आप थोड़ी सी स्टेटमेंट्स को छोटा भी कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग करके, विच इज 32. सो देयरफॉर हाउ मच कॉस्ट विल बी ड्यू इन द मॉर्निंग, कॉस्ट फॉर द मॉर्निंग मिल्क विल बी 32 इंटू 15, विच यू कैन calculate at the side of your page. So 5 to the 10, 15, 16 हो गया ये, और ये हो गया 2, 3, so 0, 8, 4. 480 रुपीस का मिल्क सुबह मॉर्निंग में ड्यू हो गया. Now we move forward. अब उसने कितना कहा है इवनिंग में, so quantity of milk इन द इवनिंग. इवनिंग में दूध वाले ने कितना दिया है, 68 लीटर्स. ओके, सो देयरफॉर कॉस्ट कितना होगा, 68, जितना लीटर सप्लाई हुआ है इंटू 15. इसको भी हम रफ में करके देख लेते हैं, 68 इंटू 15, 44, 34, 86, this is 12, 1, 7, 10. So this is 1020. So how much total money is due to the vendor? Total cost will be the morning cost, which is this one, and the evening cost, which is this one. So we will add. So it is 1020 plus 480. अब देखिए इसमें calculations काफ़ी करनी पड़ रही हैं. 1500 rupees is due. Now we will do the same question with distributive and you will see how easy it becomes. Okay, तो इसको फिर से शुरू करते हैं. अब इसके अंदर इसने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 15 रुपये लगे थे उसके कॉस्ट पर लीटर. अब क्वांटिटी इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में उसने कितना लिया है, 32 लीटर्स, है ना, और क्वांटिटी इन इवनिंग, क्योंकि दोनों टाइम ले रहा है, 68 लीटर्स. तो उसी वेंडर ने टोटल कितना ले लिया, उसने टोटल 100 लीटर्स ले लिया ना, क्योंकि 32 तो सुबह लिया है और 68 शाम को लिया है,
तो टोटल कॉस्ट विल बी हाउ मच, वी विल बी कैलकुलेटिंग इट, 15 × 32 प्लस 15 × 68, जितने पैसे सुबह के हुए और जितने पैसे शाम के हुए। सो आई कैन टेक 15 कॉमन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड आई कैन ऐड 32 प्लस 68, सो दैट मीन्स आई एम एक्चुअली कैलकुलेटिंग द टोटल क्वांटिटी यूज, सो इट विल बी 15 × 100। और देखिए डायरेक्टली 1500 आंसर आ गया। सो द टोटल मनी स्पेंट, टोटल मनी स्पेंट बाय द वेंडर और टोटल मनी ड्यू टू द वेंडर विल बी 1500। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज़ अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी जो आपकी कैलकुलेशन ईजी कराने में हेल्प करती है। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.